हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू खबर बॉलीवुड। दीपक तिजोरी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म टिप्सी की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में अभिनय के अलावा दीपक ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है। वहीं पिछले दिनों फिल्म के प्रमोशन के दौरान दीपक पुरानी यादों में खोए दिखे। इसके अलावा उन्होंने सैफ अली खान और अमृता सिंह के बारे में भी कई खुलासे किए। दीपक का ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दीपक तिजोरी 90 के दशक के मशहूर अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने रवीना टंडन से लेकर पूजा भट्ट जैसे स्टार्स के साथ फिल्में की हैं। इन दिनों वो अपनी आने वाली फिल्म टिप्सी के प्रमोशन में बिजी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दीपक तिजोरी पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं, मैं अपनी फिल्म पहला नशा को लेकर काफी खुश था। इस फिल्म के एक दृश्य के लिए शाहरुख खान, आमिर खान और सैफ अली खान कैमियो करने वाले थे। इस फिल्म का निर्देशन आशुतोष गोवारिकर कर रहे थे। मुझे जब इस दृश्य के बारे में पता चला तब मैं काफी एक्साइटेड हुआ था। दीपक अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं, जिस दिन फिल्म का वो दृश्य शूट किया जाना था उस दिन सैफ अली खान की पूर्व पत्नी अमृता राव ने उन्हें शूटिंग पर जाने से रोका। मुझे सैफ से पता चला कि जब वो तैयार होकर घर से निकल रहे थे तब अमृता ने उन्हें टोकते हुए कहा था कि हम ऐसा कब से करने लगे। हालांकि बाद में सैफ सेट पर आए। दीपक ने पहला नशा से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ पूजा भट्ट और रवीना टंडन स्क्रीन पर नजर आई थी। दीपक कहते हैं, जब मुझे पता चला कि अमृता ने सैफ को रोका था तब मुझे काफी बुरा लगा था। उन दिनों स्टार्स दूसरे स्टार्स को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन आज वक्त बदल गया है। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।